दोस्तों, इतिहास में जितनी भी रानियां हुई हैं, उनका एक अलग स्थान रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ रानियों ने अच्छे काम किए तो कुछ ने बेहद ही घिनौने। लेकिन अपने अंत तक आते आते इन्होंने अपने राज्य में काफी चीजों में सुधार किया, जिसकी वजह से लोगों ने इनके द्वारा किए गए घिनौने और गलत कामों को भुला दिया। आज की कहानी एक ऐसी ही रानी की है जिसने काम तो अच्छे किए, लेकिन उसका अपने इन कामों को करवाने का तरीका बेहद ही घिनौना था। आज की वीडियो में हम आपके लिए इतिहास के पन्नों से फिर एक बार एक ऐसी ही रानी की दास्तान को लेकर आए हैं, जिसके बारे में आज से पहले आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रानी पर हमारी आज की इस पेशकश को। दोस्तों, इस रानी का नाम था रोक्सोलाना, जिसे रोक्सोलाना के नाम से भी जाना जाता था। महल में रोक्सोलाना को हरम सुल्तान के नाम से जाना जाता था। रोक्सोलाना का जन्म 1505 में रोहतिंग, पोलैंड में हुआ था, जिसे आज हम यूक्रेन के नाम से जानते हैं। रोक्सोलाना का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था। जन्म के बाद उसका नाम अलेक्जेंड्रा लिजोव्स्का रखा गया था। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही रशियन समाज में समाजवाद की एक जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से आए दिन यूरोपियों की आपस में जंग होते रहते थे, जिसमें न जाने कितने बेगुनाह मारे जाते थे। ये उनका रोज का काम हो गया था। रोज रोज की लड़ाई की वजह से लोगों को इस चीज की आदत सी हो गई थी। एक दिन अचानक काफी शोर होता है तो लोग सोचते हैं कि शोर तो रोज होता है, क्योंकि यूरोपियन आपस में लड़ते जो रहते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। कुछ सैनिक लोगों के घर के दरवाजे खटखटाकर लोगों के घर से उनकी महिलाओं और छोटी बच्चियों को खींचकर एक बड़ी गाड़ी में भर रहे थे। ये देखकर लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया, तो उन सैनिकों ने लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब ये सब हो रहा था तब अलेक्जेंड्रा मात्र 6 साल के थे, तभी उसे भी कुछ सैनिक घर से उठा ले गए। दोस्तों, असल में ये सैनिक ऑटोमन साम्राज्य के थे, जो इस यूरोपियन लड़ाई का फायदा उठाना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, ऑटोमन के शासकों के द्वारा उस समय बहुत सी लड़कियां उठा ली गई थी, और सुल्तान के कहने पर उन्हें गुलाम बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों को बेच दिया जाता था, क्योंकि वो व्यापारी उन लड़कियों की अच्छी रकम अदा करते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले कैद की गई इन लड़कियों में से लड़कियों की छटनी की जाती थी। जो लड़की गैर धर्म की होती थी उन्हें अलग कर दिया जाता था, और जो इस्लामिक होती थी उन्हें अलग कर दिया जाता था। गुलाम बाजार में अलेक्जेंड्रा को भी बेचने के लिए खड़ा किया गया था। उससे नाम पूछा गया तो उसने अपना सही नाम बता दिया। दोस्तों, गैर धर्म की सारी लड़कियों से इस्लाम कबूल करवाया जाता था, और अगर कोई लड़के इस्लाम कबूल करने से मना कर देते थे तो उसका सर कलम कर दिया जाता था। दोस्तों, ये काल ऑटोमन दौर का सबसे भयानक काल था। इसके बारे में आपको शायद ही कहीं जानकारी मिले। ये वो दौर था जब सुल्तान सुलेमान 1520 में शासक बना था, और उसके दौर में गुलाम बाजार में न जाने कितने अनगिनत ईसाई धर्म के लोगों को जान से मार दिया गया था, क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं करते थे। कहते हैं उस बाजार में इतने लोगों को मारा गया कि उस बाजार से निकलने वाली नाली का पानी करीब 2 सालों तक लाल रहा था। बच्चों, बूढ़ों, लड़कियों, मर्दों, किसी पे भी तरस नहीं खाया गया था। उस समय उसी बाजार में अलेक्जेंड्रा भी थे, जिसका धर्म परिवर्तन कराया गया। वो छोटी थी, उसे इन सब की कोई खास मालूमात नहीं थे, इसलिए उसने ऐसा कर लिया। दोस्तों, उस समय धर्म परिवर्तन करने के लिए आदमियों का खतना किया जाता था, और लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के उभरे हुए भाग को काट दिया जाता था, जिसे क्लिट कहते हैं। उस समय की तकनीक भी कोई खास नहीं थे, जिससे कई बार तो लड़कियों की मृत्यु भी हो जाते थे। अलेक्जेंड्रा से भी इस्लाम कबूल करवाया गया, जिसके बाद उसका नाम बदलकर अलेक्जेंड्रा से रोक्सोलाना कर दिया गया। अलेक्जेंड्रा देखने में खूबसूरत थे, साथ ही उसकी नीली आंखें और गोरे बदन को देखकर कोई भी पागल हो जाता था। रोक्सोलाना के ऊपर हर किसी की नीयत खराब हो जाते थे। सुल्तान सुलेमान के खास वजीर, जिसकी देखरेख में पूरा गुलाम बाजार था, जब उसने रोक्सोलाना को देखा तो उसने सुलेमान को बताया कि जनाब, गुलाम बाजार में एक ऐसा हीरा है जिसे पूरा बाजार पलट पलट कर देखता है। अब बात यह हो गई थी कि सुलेमान भी सोचने लगे कि ऐसा क्या है, और सुलेमान उसी हीरे को देखने के लिए गुलाम बाजार की तरफ रवाना हो गए। बाजार में पहुंचते ही उसकी नजर जब रोक्सोलाना पर पड़े तो उसे देखते ही सुल्तान उसका दीवाना हो गया और रोक्सोलाना को महल ले आया। रोक्सोलाना इतनी खूबसूरत थी कि एक बार को सुलेमान ने उसे रानी बनाने की सोची, लेकिन वो शांत रहा और रोक्सोलाना को उसने अपने हरम में दासियों के साथ रखवा दिया। रोक्सोलाना सुंदर होने के साथ साथ काफी चालाक भी थे, इसलिए उसने जल्दी हरम में अपना एक विशेष स्थान बना लिया। सुल्तान भी हमेशा रोक्सोलाना के साथ ही समय बिताते थे। करीब 1 साल बाद रोक्सोलाना ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक लड़का था, जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। दोस्तों, ये वो समय था जब तुर्क साम्राज्य के रिवाज के अनुसार एक उपपत्नी को केवल एक ही पुत्र रखने की अनुमति थी। मतलब इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हरम की औरतें जिनसे राजा के जिस्मानी संबंध हो, वो केवल एक बच्चा कर सकते थे, उन्हें दूसरा बच्चा करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन रोक्सोलाना उस राज्य पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए उसे अपनी फौज चाहिए थी, ताकि वो सही समय आने पर राज्य पर कब्जा कर सके, और उसने सोच लिया था कि वो इस काम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रोक्सोलाना सुलेमान के राज्य में गुलामों को मुक्त कराना चाहते थे। समय बीतता गया, रोक्सोलाना ने अपने हुस्न का जादू चलाया और सुलेमान से 4 बच्चे पैदा किए, जिससे चढ़कर महल में सुल्तान की और पत्नियों ने बगावत शुरू कर दी।
रानिया इस बात पर उंगलियां उठाने लगे थे कि एक रखैल से चार बच्चे तुर्क की पहचान नहीं है, और रुक्सोलाना पर भी बहुत सी बातें कही गईं। लेकिन रुक्सोलाना की किसी भी चीज को सुनकर भड़कने की आदत नहीं थी। वो एक शातिर शिकारी की तरह चुपचाप घात लगाकर वार करते थे। उसने सुलेमान से अपने निकाह की बात की और कहा कि अगर हम निकाह नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को मार दिया जाए, क्योंकि मैं तो आपकी रखैल हूं ना। सुनकर सुलेमान ने सबसे पहले उसी दिन रुक्सोलाना से निकाह किया और सुलेमान महल छोड़कर अपनी राजधानी में रुक्सोलाना के साथ बस गए। रुक्सोलाना और सुलेमान के बीच काफी अच्छे संबंध थे। जैसे ही अन्य देशों के राजा को इस बात की खबर हुई कि सुलेमान ने राज छोड़ दिया है, वो ऑटोमन पर हमले की तैयारी करने लगे। तभी इस बात की खबर सुलेमान को लगे और सुलेमान ने भी राज्य में वजीरों से इस बात को कहा कि सेना को तैयार रहने के लिए बोल दो। लेकिन इस लड़ाई में सुलेमान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसके बाद रुक्सोलाना ने पोलैंड के राजा सिगिस्मंड टू ऑगस्टस के साथ राज्य के मामलों पर और फारस के शाह मास्प की पत्नी और बहन के साथ भी पत्र व्यवहार किया और उनसे संधि की बात की और कुछ राज्य व्यवहारों को बढ़ाने की बात भी कहे। दोस्तों, इस समय तक रुक्सोलाना के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसकी पहली बीवी ने अपने बेटे गुलबहार को सुलेमान की जगह दे दी। जब ये बात रुक्सोलाना को पता चली तो उसने वजीर को बोलकर गुलबहार को मरवा दिया, जिसके बाद रुक्सोलाना के बेटे मोहम्मद ने अपनी सेना से ऑटोमन के महल पर आक्रमण कर दिया और उसे अपनी गिरफ्त में कर लिया। दोस्तों, रुक्सोलाना ने अपने बेटे के सुल्तान बनने के बाद बहुत से अच्छे कामों को भी किया, लेकिन कई इतिहासकारों का कहना था कि वो एक वहशी दरिंदे थे। रुक्सोलाना के उसके बेटे के साथ ही जिस्मानी ताल्लुकात थे। उसने अपने बेटे को सुल्तान के तख्त पर पहुंचाने के लिए कई वजीरों की रातों को रंगीन किया था, लेकिन उसकी सारी बातें यहाँ पर आकर हर कोई भूल जाता है, क्योंकि उसने अपने शासन में हरम और रखैलों का नियम बंद किया जिससे औरतों को उनका हक मिल सके। उसने ऑटोमन शाही वास्तुकार सेनान के लिए कई परियोजनाओं को चालू किया जिससे महिलाओं को रोजगार मिला और जिस्मानी धंधे कम हुए। उनकी पहली बड़ी परियोजना 1539 में शुरू हुई, जिसके तहत उसने कॉन्स्टेंटिनोपल में हसेकी मस्जिद परिसर में बड़े दो स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जहां पर उसने तालीम यानी कि शिक्षा के लिए कई अध्यापकों की नियुक्ति भी की। रुक्सोलाना की सफलता इतनी असाधारण थी कि उसके दुश्मन जब उसे किसी चीज में पीछे नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा कि रुक्सोलाना जादू टोना करते हैं, जिसकी वजह से उसे कोई हरा नहीं पा रहा है। दोस्तों, एक बार सुलेमान के सबसे बड़े दुश्मन इब्राहिम पाशा को खत्म करने के लिए रुक्सोलाना ने एक किन्नर को बुलाया जिसका नाम एस्की सराय था। कहते हैं वो रुक्सोलाना का सबसे वफादार था। रुक्सोलाना एस्की पर इतना भरोसा करते थे जितना वो सुलेमान पे भी नहीं करते थे। अप्रैल 1558 में जब रुक्सोलाना की मृत्यु हो गए थे, तब एस्की ने ही उसके कब्र पर पहले मिट्टी डाले थे। इन दोनों की दोस्ती पर रोमन में कई ड्रामा भी बन चुके हैं। दोस्तों, रुक्सोलाना की सल्तनत को महिलाओं की सल्तनत कहा जाता है, क्योंकि अपने बेटे मोहम्मद के शासन के बाद से जब तक वो जिंदा रहे उसने ऑटोमन में हर महिला के भले के बारे में ही सोचा और महिलाओं को पहचान और सम्मान दिलाने में काफी मदद की। 1558 में रुक्सोलाना ने दुनिया को अलविदा कहा और उसकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में ऐतिहासिक किताबें भी खामोश हैं। तो दोस्तों, ये है रानी रुक्सोलाना की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इतिहास से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।